रोप वे के माध्यम से आप लोग आज मैहर माता के दर्शन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला अनुभव है बड़े होने के बाद। एक बार मैं जय माँ शारदा। मैहर की प्रसिद्ध देवी माँ शारदा के दर्शनों के लिए आज भारत रहस्य चैनल की टीम चल पड़ी है उस अद्भुत अनोखे और अलौकिक दिव्य स्थान पर, जहाँ से हम आपको माता जी के दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्राचीन पौराणिक जानकारी भी साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं मैहर की ओर। मैहर की देवी माँ शारदा के दर्शनों के लिए जाने का रास्ता हरे भरे पेड़ों से सुसज्जित है और एक विशाल सफेद गेट के बगल विवेकानंद जी की मूर्ति आपकी प्रतीक्षा में आपको दिखाई देती है। और हरे भरे पेड़ इस बात के सूचक हैं कि आपका जीवन हरा भरा और मंगलमय होने वाला है। ऐसी ही अद्भुत कृपा है, माता के दर्शनों की अद्भुत लीला है। हमारी गाड़ी अब पार्किंग के पास पहुंच चुकी है और यहां से माता जी का दरबार साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर आप माता जी के वर्चुअल दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहले उसका भी आनंद उठा सकते हैं, जिसके लिए यहां पर एक विशेष काउंटर लगा हुआ है। तो आइए इस काउंटर के बाद हम चलते हैं टिकट खरीदने के लिए। लेकिन इस वक्त हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश, लेकिन इस बारिश में भी भक्तों का हौसला टूटा नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा ले रही हैं। कुछ लोगों ने तो सोचा कि हम वापस घर लौट चलें, लेकिन कुछ लोग थे उनका मानना था कि चलो सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चलें, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र रोप वे को बंद कर दिया गया था। लेकिन भक्तों की प्रतीक्षा और भक्तों का विश्वास रंग लाया और थोड़ी ही देर में सूचना मिली कि रोप वे शुरू हो चुका है। का घूमता हुआ पहिया महाभारत के कालचक्र की याद दिला देता है, जो कहता है कि मैं समय हूँ। शायद आपको भी इस पहिए को देखकर महाभारत टीवी सीरियल के उस आवाज़ का स्मरण हो जाएगा। एक कैबिन की कितनी कैपेसिटी है? चार लोगों की। बच्चों में इस रोप वे को लेकर काफी उत्सुकता नजर आती है। एक और बड़े लोग जहां दर्शन के लिए लालायित हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे इस रोप वे का नजारा देखकर
मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर मंदिर खुलने से पहले प्रतिदिन ताज़े फूल पाए जाते हैं। कहते हैं कि आल्हा और उदल यहाँ दर्शनों के लिए प्रतिदिन आया करते हैं और वही ये फूल चढ़ाते हैं। वे के माध्यम से आप लोग आज मैहर माता के दर्शन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला अनुभव है बड़े होने के बाद। एक बार मैं एक और यहाँ पे आया था, एक और बार जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो तो मुझे उतना याद नहीं। पर अभी का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। माता जी के पास हम जा रहे हैं और देखिए आजू बाजू के जो पहाड़ हैं उनका भी कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन करने।
तो दर्शकों, जैसे ही आपने देखा कि अब मैयर माता जी के दर्शन, अब मैयर माता जी के दर्शन कर लिए और अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। दर्शकों, ये थे मैयर माता जी के दर्शन। दर्शकों, आपने मैयर माता जी के दर्शन हम लोगों के साथ किए हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां शारदे की। और भक्तों, अब बारी है वापसी की, लेकिन वापसी से पहले आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि कैसे माता के इस धाम का नाम मैहर पड़ा। प्राचीन मान्यता है कि एक बार जब भोलेनाथ माता सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर तांडव नृत्य कर रहे थे, उसी समय किसी मुद्रा के दौरान माता के गले से निकलकर एक हार इसी त्रिकुट पर्वत पर आ गिरा था, जिसे लोगों ने माई का हार समझकर, माई का हार कहकर इस स्थान को मैहर का नाम दिया। और आज तक यही नाम इस स्थान का प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और हमारा निवेदन है कि दर्शनों के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अपने जीवन में एक बार यहाँ अवश्य पधारें। जय माता दी।